ओवरऑल हम बात करें तो सिर्फ हमारा लॉस है। हाय दोस्तों, एवरीथिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ओल्ड लैपटॉप की बैटरी का सेल्स रिमूव करके हम जो एक बैटरी पैक बनाते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उस बैटरी पैक की लाइफ कितनी हो सकती है, क्या वो एक लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस कर सकती है या साल दो साल तीन साल तक अच्छा परफॉर्म करेगी, इन सब डाउट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ओल्ड सेल का यूज करके कोई बैटरी पैक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ओल्ड लैपटॉप या ओल्ड सेल का यूज करके आप एक अच्छा बैटरी पैक बना सकते हैं और उसका कैपेसिटी, उसका जो एफिशिएंसी है वो नए के बराबर हो सकती है, लॉन्ग टाइम चलने वाली है। तो दोस्तों, ये बैटरी पैक बना तो सकते हैं, जैसा कि आप ये बगल में देख सकते हैं। तो मैंने मार्केट से कबाड़ी से 30 बैटरी इकट्ठा किया, 30 बैटरी मैं लेके आया खरीद के। सारी बैटरी 100-100 रुपए का मिला और कुछ तो जो है उसमें 150 रुपए का भी मिला, और सारी बैटरी हमने HP का लेकर आया। अगर आप ओल्ड लैपटॉप की बैटरी का सेल्स यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही कंपनी का यूज करें, चाहे आप HP का ले लें या सैमसंग का ले लें, मिक्स भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही कंपनी का लेंगे तो आपके जितने भी उसमें सेल्स निकलेंगे, सारे की कैपेसिटी, सारे का जो MH होगा, एम्पियर होगा, वो सेम रहेगा। एक बैटरी में 6 सेल ही निकलते हैं, जिसमें से एक बैटरी हमारा इसमें 9 सेल है, इसमें सारे सेल्स कंडम है, सारे सेल्स हमारे खराब निकल गए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि एक बैटरी में, मतलब 6 सेल्स में करीब एक या दो सेल खराब निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। करीब दो सेल तो मिनिमम खराब निकलते ही हैं, कभी कभी 3 सेल भी खराब निकल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरा सेल आपके सामने मैंने रिमूव करके रखा है। पाइप जो दाहिने तरफ देख रहे हैं आप, ये पूरे कंडम है, जो मतलब ज्यादा सेल दिख रहा है ये सब कंडम है, ये सारे सेल्स खराब हो चुके हैं। 180 बैटरी में हमको टोटल जो अच्छे सेल मिले हैं वो मिले हैं सिर्फ 70 सेल, 70 सेल हमको अच्छे मिले हैं। अभी तो सिर्फ मैंने इसका वोल्टेज चेक किया है, अभी जब हम उसका सेल का कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, उसका MH पावर टेस्ट करेंगे, तो उसमें भी कुछ कंडम निकलेंगे, कुछ खराब निकलेंगे। कैसे करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरा प्रोसेस। इस बैटरी से जो भी सेल निकल रहे हैं इसका वोल्टेज 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 2.5 से कम है तो इसको यूज नहीं कर सकते, उसको आप वेस्ट में डाल दीजिए। अगर आप उसको बैटरी पैक में लगाते हैं तो आपका बैटरी 6 महीने में खराब होने वाला है, तो इसलिए 2.5 से कम वोल्टेज का सेल हमें लगाना ही नहीं है। हम इस सेल्स को फुल चार्ज करेंगे, ध्यान रखिएगा मैं अच्छे सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो 70 सेल हमारे अच्छे निकले हैं। चार्ज में लगाने के बाद जो ओवरहीट होगा हम उसको भी रिमूव करेंगे, ओवरहीट होगा आपका फायर भी हो सकता है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद हम इसका IR टेस्ट करेंगे, कैपेसिटी टेस्ट करेंगे। अगर 2500 mAh का नया था तो अब जब इसका पुराना हम कैपेसिटी टेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1500 या 1800 के आसपास ही मिलने वाला है। पुराने सेल्स में जो पूरा एम्पियर होता है, जो MH पावर होता है, वो पूरा आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब है, एक भाई साहब हैं, ओल्ड सेल भी बेचते हैं और उसका सेल से बनाया गया बैटरी पैक भी बना कर बेचते हैं। अब आप समझिए कि एवरेज आप देखेंगे तो इससे अच्छा ये है कि आप एक नया बैटरी पैक बना लें। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो उनके ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब जो भी बना रहे हैं वो एक्चुअल में बता देते हैं। वो ओल्ड सेल्स का यूज़ करके बैटरी पैक बना रहे हैं, एकदम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ बता देते हैं कि हाँ, ये ओल्ड सेल का बैटरी पैक है, जिसको लेना है परचेस कर सकता है। अगर वो चाहते तो नया सेल्स के साथ ये पुराना सेल्स भी मिक्सअप करके बना सकते थे, ऊपर से पैक अगर कर देते हैं बैटरी पैक तो कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बता देते हैं। यूट्यूब पे ऐसा बोलना एक काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। हमारी एडवाइस ये है दोस्तों कि आप एक नया बैटरी पैक बनवा लें, वो आपका थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप 4 साल 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप बैटरी पैक कहीं से भी बनवा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, ठीक
ठीक है, और YouTube पर भी काफी लोग बैटरी बनाकर बेच रहे हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल एडवाइस ये है कि आप ओल्ड सेल से बनाया गया कोई भी बैटरी पैक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज ना करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।